रागिनी तिवारी नामक एक महिला के फेसबुक पे मौजपुर से स्टेटमेंट आता है जहां बिल्कुल खुल के कह रही है मरे मारो या मर जाओ, इस तरह का स्टेटमेंट वो दे रही है। क्या हुआ क्या हुआ, अरे जो भी गद्दार है काट डालो उसको। ये दंगों से पहले की बात नहीं है, ये बिल्कुल हंसा के दौरान की बातें, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? डॉक्टर कफील को देश प्रेम की बात करने पे उनके खिलाफ केस हो जाता है उत्तर प्रदेश में, और यहां खुल के कह रहे हैं और पुलिस कोर्ट में आके कह देती है साहब जांच कर ली, स्टेटमेंट के अंदर कुछ नहीं है। क्या इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही सारे निष्कर्ष तय हो चुके थे, लोकसभा में घोषित किए जा चुके थे? देश के इतिहास का सबसे बड़ा क्रूर मजाक हमारे साथ किया जा रहा है। 1984 में दिल्ली ने अपनी सड़कों पे एक बहुत विभत्स दृश्य देखा, मैसेकर देखा, लेकिन इस बार एक चीज एक्स्ट्रा हो रही है। जैसा उमर ने कहा कि जो शिकार थे उनको आरोपी बनाया जा रहा है, ये तो 1984 में भी नहीं हुआ था। और जो आंदोलन उससे पहले देश ने जो सबसे शांति प्रिय लोकतांत्रिक आंदोलन देखे हैं अपने इतिहास में, इतनी महिलाएं जिस आंदोलन में आई तिरंगा उठा के, संविधान को हाथ में लेके, अंबेडकर और गांधी की तस्वीर को लेके जनगणमन गाते हुए, उस आंदोलन को अब हिंसा का स्रोत बताया जा रहा है। सो पहला सवाल, क्या इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही सारे निष्कर्ष तय हो चुके थे, लोकसभा में घोषित किए जा चुके थे उन्हीं होम मिनिस्टर द्वारा जिन्होंने खुद 25 फरवरी को कहा था कि नहीं तो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो गया, और 11 मार्च को वो बताते हैं, और इसके बीच में जो कुछ हुआ उमर ने बताया, कमलप्रीत ने बताया, 11 मार्च को उन्हें एहसास हो जाता है कि नहीं बड़ी गहरी कॉन्स्पिरेसी है, वो नाम बता देते हैं किन लोगों की कॉन्स्पिरेसी। तब से आज तक क्या दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, क्या वो पहले से बनाए हुए कंक्लूजन को पुष्ट करने का प्रयास है? सवाल नंबर एक। दूसरा सवाल, ये जो क्रोनोलॉजी बनाई गई दिल्ली पुलिस की तरफ से, उस क्रोनोलॉजी में कुछ एलिमेंट मिसिंग क्यों है? ये उमर खालिद ने पूछा था। 27 जनवरी को माननीय अनुराग ठाकुर जी जो मंत्री हैं उन्होंने वो बयान दिया था, वो कहा था गोली मारो, जिससे कुछ बातें हुई थी ना देश के गद्दारों को, ये सब बातें हुई थी उनके सामने। 27 जनवरी को वो ये कहते हैं, 29 जनवरी को जामिया मिलिया में गोली चलती है, 1 फरवरी को शाहीनबाग में गोली चलती है, हम नहीं जानते किसने चलाई है, मगर मैं कह रहा हूं कि क्या ये दिल्ली पुलिस की क्रोनोलॉजी का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये मिस क्यों हो जाता है क्रोनोलॉजी से? दूसरा सवाल। तीसरा, कपिल मिश्रा बीजेपी के जो लीडर हैं, इन्होंने सिर्फ 23 फरवरी को स्टेटमेंट नहीं दिया, दिसंबर से लेके फरवरी तक लगातार बार बार वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसा उमर ने याद दिलाया कि उन्होंने रैली निकाली 20 दिसंबर के दिन, उन्होंने दिल्ली इलेक्शन के दौरान कहा कि ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और उन्होंने 23 फरवरी को फिर डीसीपी के सामने खड़ा होकर बोला कि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम इस सड़क को हटा साफ करेंगे, सारे देश ने देखा। कफील साहब को, डॉक्टर कफील को देश प्रेम की बात करने पे उनके खिलाफ केस हो जाता है उत्तर प्रदेश में, और यहां खुल के कह रहे हैं और पुलिस कोर्ट में आके कह देती है साहब जांच कर ली, स्टेटमेंट के अंदर कुछ नहीं है। जस्टिस मुरलीधरन ने उनको कहा था कि जरा कोर्ट के अंदर सुना दो, और आपको इसमें केस दिखाई नहीं देता। फोर्थ क्वेश्चन, वायलेंस के दौरान तमाम तरह के वीडियोज आए जो कि रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए लोगों को इसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसिटी दिखाता है, कम से कम उसका एक प्राइमा फेसी एविडेंस हमारे सामने आता है। वो क्या है? एक तो इन्होंने बोला था, उमर ने बोला ही था, रागिनी तिवारी नामक एक महिला के फेसबुक पे मौजपुर से स्टेटमेंट आता है जहां बिल्कुल खुल के कह रही है मरे मारो या मर जाओ, इस तरह का स्टेटमेंट वो दे रही है।